हर दिन कोई ना कोई क्राइम होते रहता है, लेकिन आज मैं जिस क्राइम के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, वो क्राइम इतना ज्यादा सुर्खियों में आ गया, इतना ज्यादा हाई वोल्टेज हो गया कि उस क्राइम पे हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। इस कहानी की शुरुआत, इस क्राइम की शुरुआत होती है फॉरेन कंट्री की एक कॉलेज से। बच्चे अपने मैम का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी एक स्पोर्ट्स टीचर की एंट्री होती है जिनका नाम एलिना होता है। एलिना जाती है, सभी बच्चों का अटेंडेंस बनाती है। उसी में से एक लड़का होता है जो मैम के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और जिसका नाम होता है मार्कस। मार्कस मैम पे लाइन मारने लगता है और बोलता है मैम से कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मैम उसकी बातों को दिल पे नहीं लेती है और फिर अपने घर पे चली जाती है। जब घर पे जाती है, अगले दिन नहा धोवा के कॉलेज आने वाली होती है, तभी उसके दरवाजे का यानी उसके घर का बेल बजता है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहां पे एक फूल का गुलदस्ता होता है। उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि आखिर ये गुलदस्ता किसने भेजा है। फिर वो मैम अपने स्कूल की ओर चली जाती है, सभी बच्चों का अटेंडेंस बनाती है, सभी बच्चों से मुखातिब होती है। उसके बाद वो मैम एक मैडम के साथ बात करते हुए गैलरी में चलने लगती है। तभी शोरगुल की आवाज आती है, लड़ाई झगड़े की आवाज आती है। जब वो मैम पास जाके देखती है तो मार्कस किसी लड़के से लड़ाई कर रहा होता है। वो मैम यानी अलीना मार्कस को लेके एक अलग रूम में चली जाती है और उससे बातें करने लगती है और उसे चोट जो लगा था उस पे दवा लगाने लगती है, उसकी ट्रीटमेंट करने लगती है। तभी मार्कस मैम के काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है और दोनों एक दूसरे से चिपक के कुछ करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी दूसरा कोई आता है, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मैम अपने घर की ओर यानी कहें तो अपने घर चली जाती है। और वो अपने रात्रि में अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है हसीन से और पूछ रही होती है कि वो गुलदस्ता किसने भेजा था। हसीन को कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो बोला कि वो गुलदस्ता मेरे लिए कोई नहीं भेजा था, पता नहीं वो गुलदस्ता किसने भेजा था। अगले दिन एलिना सज धज के स्कूल चली जाती है और जब विंडो से देख रही होती है अपने कॉलेज से बाहर, अपने स्कूल से बाहर, तो देखती है मार्कस के मम्मी पापा स्कूल की तरफ आ रहे हैं। मार्कस के मम्मी पापा जब एलिना के पास आते हैं तो पता चलता है कि मार्कस के मम्मी एलिना की फ्रेंड है। वो लोग बातें करने लगते हैं क्योंकि मार्कस लड़ाई किया हुआ था, उसी के लिए कंप्लेन था, गार्जियन कंप्लेन था, तो उसके मम्मी पापा स्कूल में मिलने के लिए आए थे। वो तमाम तरह की बातें रखने लगता है मार्कस की, मेरी गलती नहीं है, वो लड़का मुझे परेशान कर रहा था, मुझ पे भद्दी भद्दी कॉमेंट कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारा। मार्कस के मम्मी पापा भी रिक्वेस्ट करने लगते हैं, मार्कस भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि आइंदा इसके बाद से ऐसी गलती नहीं होगा। लेकिन एलिना मैम बोलती है कि प्रधान अध्यापक का सख्त आदेश है कि मार्कस को बर्लिन की ट्रिप पे नहीं लेके जा सकती हूँ। बर्लिन ट्रिप पे यानी वो बच्चे जा रहे थे जो स्पोर्ट्स खेलने वाले थे, वहां पे खेल कूद का प्रतियोगिता हो रहा था और वहां पे मार्कस का जाना बेहद जरूरी था क्योंकि वो मार्कस का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसलिए मार्कस रिक्वेस्ट करने लगता है। जब एलिना मैम बोलती है कि मार्कस बर्लिन के ट्रिप पे नहीं जा सकता है क्योंकि प्रधान अध्यापक का सख्त आदेश है कि इसे बर्लिन के ट्रिप पे नहीं लेके जाना है, मार्कस वहीं पे अपने पैरों से एलिना मैम के साथ छेड़खानी करने लगता है, तमाम तरह की गंदी हरकत करने लगता है। एलिना मैम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर वहां से मार्कस के मम्मी पापा भी चले जाते हैं और मार्कस भी चला जाता है। एलिना मैम जब अपनी गाड़ी के अंदर प्रवेश करती है घर जाने के लिए, तो उसी गाड़ी में मार्कस भी होता है। दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और गाड़ी के अंदर ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। फिर वहां से एलिना कहें तो अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद अगले दिन सज धज के यानी वो मार्कस के घर पहुंच जाती है क्योंकि मार्कस की मम्मी एलिना की दोस्त होती है और वो अपने घर पे इसे इनवाइट की हुई होती है, इसीलिए एलिना उसके घर पे चली जाती है। लेकिन एलिना की निगाहें थी कि मार्कस कहाँ है, वो मार्कस को ढूंढ रही थी लेकिन मार्कस नहीं दिखता है। मार्कस की माँ अपनी सभी दोस्तों से एलिना की जान पहचान करवा देती है। तभी मार्कस आता है, वो कहीं खेलने के लिए गया हुआ होता है।
खेल कर आता है तो बोलता है अपने मम्मी से कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूं और वो नहाने चला जाता है। एलिना मैम बहाना बनाकर वहां से वॉशरूम का बहाना बनाकर निकलती है और जिस वॉशरूम के अंदर कहें तो मार्कस स्नान कर रहा था उसी वॉशरूम के अंदर वो चली जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। वहां से एलिना मैम अपने घर चली जाती है लेकिन घर जाने के बाद मैसेज करती है तो मार्कस ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई करता है और ना ही उसका कोई कॉल रिसीव करता है। एलिना मैम फिर स्कूल चली जाती है, सभी बच्चों का अटेंडेंस करती है लेकिन मार्कस नहीं आया हुआ होता है। पता चलता है कि मार्कस की तबीयत खराब है। एलिना मैम फिर स्कूल से अपने कहें तो अपने दोस्त मार्कस के मम्मी के घर पहुंच जाती है और पूछती है कि मुझे पता चला है कि मार्कस की तबीयत खराब है इसीलिए मैं मार्कस से मिलने आ गई। लेकिन मार्कस की मम्मी बोलती है कि मार्कस खेलने के लिए कहीं गया है, उसका तबीयत नहीं खराब है। फिर एलिना मैम स्कूल आ जाती है, मैसेज करने लगती है, कॉल करने लगती है लेकिन मार्कस उसके किसी भी मैसेज और कॉल का रिप्लाई ही नहीं करता है। एलिना मैम काफी ज्यादा बेचैन हो जाती है और मार्कस को ढूंढते हुए एक शॉप पे जाती है तो देखती है कि मार्कस अपने दोस्तों के साथ उसी शॉप पे होता है। तो फिर मार्कस को अपने गाड़ी में लेके आती है, उससे बातें करने लगती है। मार्कस न चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे के फिर करीब आ जाते हैं और गाड़ी के अंदर ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। एलिना अगले दिन जब अपने स्कूल जाती है सभी बच्चे होते हैं लेकिन मार्कस स्कूल में नहीं होता है। वो इंस्टाग्राम देखने लगती है, इंस्टाग्राम चेक करने लगती है, मार्कस के पास मैसेज करने लगती है, वो उसका रिप्लाई भी नहीं करता है। तभी पता चलता है कि मार्कस किसी और लड़की के साथ जिसका नाम जूलिया है उसके करीब आ चुका है और मार्कस उसी से प्यार करता है। एलिना को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है, काफी ज्यादा ठेस पहुंचता है जब वो स्पोर्ट्स रूम में जाके देखती है जहां पे सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, जूलिया भी वहीं पे होती है। जब नजर एलिना की जूलिया पे पड़ती है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो वहां से कहें तो स्पोर्ट्स रूम के अंदर जाती है जहां पे सभी बच्चों का बैग रखा हुआ होता है। जूलिया के बैग से उसका फोन निकालती है और उसका लॉक चेंज करने लगती है, यानी कि उसके फोन को खोलने लगती है। जब उसका फोन खुल जाता है, उसका पासवर्ड काम कर जाता है तो उसके प्राइवेट फोटो उसके इंस्टाग्राम से शेयर कर देती है और वहां से एलिना चली जाती है। जब ये बात जूलिया को पता चलता है कि उसकी प्राइवेट फोटो लीक हो गया है तो एलिना जूलिया के पास जाती है और उसे सांत्वना देती है और बोलती है कि मार्कस अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हारा प्राइवेट फोटो लीक कर दिया है इसीलिए तुम मार्कस से दूरियां बना लो। और फिर यहां से एलिना यानी कहें तो मार्कस के मम्मी के पास जाती है और मार्कस की माँ से भी यही बोलती है कि जूलिया अच्छी लड़की नहीं है इसीलिए मार्कस को बोल दो कि उससे दूरियां बना ले। एलिना मार्कस के करीब जाने के लिए, उसके साथ संबंध बनाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाती है और मार्कस से मिलने के लिए काफी ज्यादा ललायत रहती है, काफी ज्यादा बेचैन हो जाती है। वो मार्कस के पास जाती और बोलती कि मुझे तुमसे बात करना है लेकिन मार्कस थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं जताता है। तो एलिना बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मार्कस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। एलिना बोलती कि तुम ज्यादा टेंशन ना लो। एलिना मार्कस को अपना अल्ट्रासाउंड दिखाती है और फिर वहां से अपने घर की ओर आ जाती है। जब अपने घर पे आती है तो उसके टेबल पे वही अल्ट्रासाउंड रखा हुआ होता है तो एलिना समझ गई कि मेरे हस्बैंड को मेरी सारी कारनामे का, मेरे सारे करतूत का पता चल गया है। वो घर पे सारे जगह ढूंढने लगती अपने हस्बैंड को लेकिन वो कहीं नजर नहीं आते हैं। तभी उसके घर का बेल बजता है, वो दरवाजे पे जाती है तो वहां पे मार्कस की माँ खड़ी हुई होती है और वो एलिना को झाड़ने लगती है, बोलने लगती है कि तुम मेरे बच्चे से दूर रहो, मेरे बच्चे के करीब आने की कोशिश मत करो, क्योंकि एलिना की सारे मैसेज कहें तो मार्कस की माँ पढ़ ली थी। अगले दिन एलिना जब स्कूल जाती है तो स्कूल के सारे बच्चे को, सारे स्टाफ को पता चल गया था कि एलिना प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जिसका बच्चा पल रहा है वो मार्कस का बच्चा पल रहा है। सारे तरफ स्कूल में इसी का चर्चा हो रहा था। एलिना को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। तभी उसकी गाड़ी दिखती है, यानी कि उसके हस्बैंड हसन की गाड़ी दिखती है। वो बाहर निकलती है तो उस गाड़ी में यानी कहें तो मार्कस भी बैठा हुआ होता है और उसके हस्बैंड मार्कस को वहां पे छोड़ देते हैं और मार्कस बोलता है एलिना से कि तुम्हारे हस्बैंड
काफी अच्छे हैं, लेकिन अब तुम उनके साथ नहीं रह सकती हो क्योंकि वो तुम्हें अपने जिंदगी से निकाल दिए हैं। तुम किसी और को ढूंढ लो और उसी के साथ अपनी जिंदगी जी लो। एलिना वहां से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहां पे ताला लटका हुआ होता है दरवाजा पे। उसके हस्बैंड सच में वो अपने दिल से एलिना को निकाल चुके थे। एलिना के साथ जो हुआ, एलिना के हस्बैंड एलिना के साथ जो काम किए वो सही था या गलत था, इस पूरी क्राइम कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।